हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और देखिए, आज हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें बोलता है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, ये दो नंबर हमें दे रखे हैं 306 और 54। तो इसमें जो पहला नंबर है उसको मान लेंगे ए, और ये जो दूसरा है इसको मान लेंगे बी। तो एक तो पहली बात है, इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। और उसके बाद बोलता है वेरीफाई भी कीजिए कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, मतलब एच सी एफ और एल सी एम का, इनका एच सी एफ और एल सी एम जो आएगा उनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे उसके बराबर होगा। तो इससे ये वेरीफाई भी करना है। तो पहले एच सी एफ और एल सी एम निकाल लेते हैं। तो 306 के हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले कटेगा 3 से, 3 1 3, ये 0 का 0 मतलब 3 10 30 हो गया, और 3 2 6। फिर देखिए 2 से डिवाइड होगा तो 2 5 10 और 2 1 2। अब 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 3 और 3 7 21। 17 17 से डिवाइड होता तो 17 1 17। तो 306 के जो फैक्टर निकले वो निकला है 2 एक बार ही है, 3 जो है वो दो बार आया, और 17 एक बार आया है। ठीक है, अब अगला है 54। तो 54 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 और 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो 54 कितनी बार आया, 2 एक बार इंटू 3 3 बार आया इसमें। ठीक, अब जब हम एच सी एफ या एल सी एम निकालेंगे तो उसमें कुछ रूल रहता है। तो जैसे यहाँ पे है कि अगर हम इसका एल सी एम निकालेंगे तो जो कॉमन है, देखिए कॉमन 2 इसके पास भी है और इस दूसरे नंबर के पास भी है। ठीक है, तो कॉमन में से जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे 2 2 ये दोनों के पास तो सिर्फ 2 ही लेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो ये वाला लेंगे, और वैसे यहाँ पे 17 ये आ गया। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा आंसर 918। वहीं पे एच सी एफ की बात करते हैं तो एच सी एफ में कॉमन में जो छोटा वाला होता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन ये दोनों ही है तो कॉमन में 2 ही रहेगा, और यहाँ पे भी 3 रेस्ट पावर 2, और बाकी जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ गया 18। तो अब आती है वेरीफाई करने के लिए। तो वेरीफाई में देखिए एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। तो एच सी एफ इंटू एल सी एम कितना आया, तो एच सी एफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए एल सी एम से तो आएगा 918 × 18। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 16524, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ए इंटू बी, तो ए है 306 और बी है 57, तो उनको भी मल्टीप्लाई करने पे आया 16524। तो हम लिख सकते हैं कि एच सी एफ इंटू एल सी एम जो है वो बराबर ए इंटू बी के, क्योंकि दोनों का एच सी एफ इंटू एल सी एम जो है वो है 16524, और ए इंटू बी है वो भी है 16524। तो इस तरह से हमने वेरीफाई भी कर दिया और पूरा आंसर आ गया इसका। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो एक दो बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। किसी और क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।